हेलो वेलकम अगेन टुडे वी विल टॉक अबाउट पायर्वेट मेटाबॉलिज्म अगर हम पायर्वेद की बात करें तो हमारे पास पायरवेट जो है वो एक वर्स्टाइल तरह का सबस्ट्रेट है जो डिफरेंट पाथवेज़ में हमारे पास शंट होकर जा सकता है बेसिकली अगर हम बात करें तो पायरवेट हमारे पास चार मुख्तलि तरह के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल लॉक्जोरासिटी या स्टाइल कोए एलानिन एंड लैक्ट्रेट यानी चार डिफरेंट पाथवेज में जा सकता है पहले पहले अगर हम बात करें तो पायर्वेट कैन भी कन्वर्ट इन टू एलानिन

ग्लूकोनी के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है इसके अलावा हमारे पास अगर ऑक्सीजन मौजूद है इफ़ इज़ अ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हमारे पास पायरवेट जो है वो एसटाइल कोए में कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एनजाइम पायरवेट डिहाइड्रोजनीस कॉम्प्लेक्स और पायरवेड डिहाइड्रोजनीस दैन हमारे पास एसटाइल कोए हमारे पास टी साइकिल में जा सकता है और इट कैन बी यूज फॉर द फैटी एसिड सेंथस और कीटो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एसटाइल कोए इस्तेमाल हो सकता है उसके अलावा अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो हमारे पास पायरवेट जो है वो लैक्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एनजाइम लैक्ट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंड देन दिस लेकट्रेट विल बी टेकन बैक टू लीवर एंड लीवर में कोरी कोरी साइकिल होती है इट विल बी कन्वर्टेड विद दिस दिस हेल्प ऑफ साइकिल टू ग्लूकोस अगेन यानी कि दोबारा ग्लाकोनियोजैनिस हो जाएगा राइट uh, right? अब यहाँ पर एक और बात आप नोटिस करें कि हमारे पास ये जो पायरवेट कार्बोक्सीज है इसको कॉफैक्टर चाहिए होता है बी सेवन राइट और एलानीन अमाइनोट्रांसफ्रेज ए एल टी को चाहिए होता है बी सिक्स वाइटामिन बी सिक्स एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेस की तो इसको हमारे पास कॉफेक्टर नियासन uh, यानी वाइटामिन बी थ्री सही होता है जबकि पायुर्वेद डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को बहुत सारे कॉफेक्टर सही होते हैं सो लेट्स मूव ऑन अगर हम बात करें पायुर्वेद डिहाइड्रोजिनेस की तो पायुर्वेद डिहाइड्रोजिनेस इस नॉट अ सिंगल इन्जाइम हमारे पास ये जो है वो मल्टी इन्जाइम कॉम्प्लेक्स है बेसिकली इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इट इज़ नॉट अ सिंगल इन्जाइम सो मल्टी इन्जाइम कॉम्प्लेक्स है इसको सीवरल हमारे पास को फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है क्योंकि कभी कभी वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं थान लिपोइक एसिड को ए एफ एडी एन ए डी ये सब इसको रिक्वायर्ड होते हैं इसकी एक्टिविटी के लिए एंड इसको आप इस निमोनिक से भी याद कर सकते हो टी एल सी फॉर ने फॉर थायमीन एल फॉर लिपोइक एसिड एंड को फॉर को एनजाइम एफ फॉर एफ एडी एंड एन फॉर एन ए डी राइट अब हम बात करते हैं पायरवेट मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन की तो अगर आप यहाँ देखो तो पायरवेट हमारे पास एस कोए में कन्वर्ट हो रहा है पायरवेट इज कन्वर्टेड इनटू टू कोए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरवेट डिहाइड्रोजनीस और पायरवेट डिहाइड्रोजनीस कॉम्प्लेक्स राइट और ये रिएक्शन मुख्तफ तरह के सेल्स के अंदर होता है डिफरेंट तरह के सेल्स के अंदर होता है लेकिन अगर यहाँ पे इमेजिन करें हमारे पास ये स्केलेटल मसल का सेल है राइट स्केलेटल मसल का सेल है तो अगर आप यहाँ पे एक बात नोटिस करें कि हमारे पास एस स्टाइल को ए और एन जो है वो पायरवेट डिहाइड्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं पायरवेट डिहाइड्रोजीनीस को रोक रहे हैं इनहैबिट कर रहे हैं अब जनाब ऐसा क्यों होता है ना पहले बात कर लेते हैं एन की हमारे पास एन जो है वो हमारे पास अगर हम यहाँ ड्रॉ करें टी सी साइकिल एस टाइल को जाता है टी सी साइकिल के अंदर और टी सी साइकिल का अल्टीमेट हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एन होता है और एन हमारे पास बाद में अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मौजूद है तो ई टी सी ए टी में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाके हमें ए प्रोवाइड कर सकता है राइट right, अगर ऑक्सीजन मौजूद है अब आप इमेजन करो कि हमारे पास हाइपॉक्सिक कंडीशन है इफ़ देर इज़ अ हाइपॉक्सिक कंडीशन अब अगर ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है तो हमारे पास जो से ये जो एन है ये इस्तेमाल हो ही नहीं सकता और फिर ये एन क्या करेगा हमारे पास इनहैबिटिट करना शुरू कर देगा हमारे पास पायरवेट डीहाइड्रोजनीस को इसको इन्ेबिट करना शुरू कर देगा राइट सो so, हमारे पास हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है एन आर शुरू हो जाता है और एन जो है वो पीडीएस को रोकता है सो so, हमारे पास ये रिजल्ट हो गया और ये समझ में आने वाली बात भी है ना ये लॉजिकल बात है कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन नहीं है अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एसटाइल कोए हमारे पास किसी साइकिल में तो जा नहीं सकता तो इसका मतलब है हमें एय स्टाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है तो हम पायरोवेट को एसटाइल कोए में कन्वर्ट करते ही नहीं है पीडीएस को बंद कर देते हैं और हमारे पास पायरोवेट कन्वर्ट होता है लेक्टेट के अंदर और जब ये पायरवेट हमारे पास एनोमिकली इनार, इलेक्ट्रेट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास ये जो एन जमा हुआ था ये दोबारा एन में कन्वर्ट हो जाता है यानी एन की रिसाइकिलिंग हो जाती है ये जो एन ए डी एस यहाँ पर एक्यूमुलेट कर गया था ये एन दोबारा डी एन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एनजा डिहाइडोजनेस और ये इलेक्ट्रेट दोबारा लीवर में जा सकता है लेवर में जाके कोरी को रिसाइकिल के थ्रू ये दोबारा हमें ग्लूकोस दे सकता है राइट अब दूसरी हम बात करते हैं एसटाइल कोए की एनएडीएस ने स्टॉप किया इसको अब एस कोए इसको इनहेबिट क्यों करता है अब आप एक और सीनाओ को इमेजन करो अब आप एक और सिनाल को इमेजन करो ये हमारे ऊपर स्केल की मसल सेल है सपोज करो इसके पास बहुत सारी एनर्जी है इसके पास बहुत सारे ग्लूकोस मौजूद है तो ये बहुत सारे ग्लूकोज को पायरेवेड में कन्वर्ट करेगा पायोवेड एसटाइल को एगेन एन टू टी सी साइकिल आर टी सी साइकिल्स एन डी एस बनेंगे और बहुत सारी हमें क्या मिलेगी हमें बहुत सारी ए मिलेगी राइट मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ हमें क्या मिलेगी बहुत सारी ए मिलेगी अब आपको पता होनी चाहिए एक बात कि हमारे पास ए और एन जो है वो दोनों टी साइकिल को रोकते हैं ए और एन दोनों हमारे पास क्या है इनहैबिट रहे टी सी साइकिल के टी सी साइकिल को हमारे पास ये चीजें जो है वो इनहैबिट करती हैं अब अगर टी सी साइकिल इन्ेबिट होगी तो हमारे पास स्टाइल कोए की कि कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी सेल में हमारे पास स्टाइल कोए जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा सो so, जब हमारे पास स्टाइल कोए बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये स्टाइल कोए क्या करेगा पारवेट डिहायोजनज कॉम्प्लेक्स को रोकना शुरू कर देगा इसको इनहैबट करना शुरू कर देगा चूंकि हमारे पास टीसी साइकिल इनहेबिट होगी है एस्टाइल कोय बढ़ा है तो ये क्या करेगा हमारे पास इनहेबिट करना शुरू कर देगा पी को तो ये बात मैंने यहाँ पर लिखती हुई है, है। ग्लाइकोलाइसिस बढ़ा हमारे पास ए टी की कंसनट्रेशन बढ़ गई एनएडीएस जब बढ़ा टी साइकिल की वजह से तो हमारे पास क्या होता है ए और एनएडीएस टी साइकिल को रोकते हैं या कम करते हैं और जब टी साइकिल रुक जाती है तो एस्टाइल कोए बढ़ना शुरू हो जाता है और जब एस्टाइल कोए हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये इनहेबिटिटिट करता है पारवे डिहाइड्रोजनियस कॉम्प्लेक्स को ताकि और एस्टाइल कुए ना बने और पायरवेट जो है वो डिफरेंट पाथवेज में जाना शुरू हो जाए डिफरेंट तरह से यूटिलाइज हो राइट और अब हम बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं यहाँ पे अगर आप देख सको तो हमारे पास एस्टाइल कोए जो है वो पायरवेट कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है तो अगर आपको पता होना चाहिए कि पायरवेट कार्बोक्सिलेज पायरवेट को कन्वर्ट करता है ऑक्सिलोएसिडेट के अंदर लीवर के अंदर और ये बेसिकली पहला पहला स्टेप होता है ग्लैकोनियोजेनेसिस का जब हम ग्लैकोनियोजेसिस की बात करेंगे तब आपको मैं ये प्रॉपरली समझाऊंगा तो हमारे पास स्पायवेट कॉक्जुलास्टेट में कन्वर्ट करता है और इसकी एक्टिविटी को एस्टाइल कोए बढ़ा रहा है तो जनाब क्यों हमारे पास एस्टाइल कोए जो है वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है आखिर क्यों एस्टाइल कोए जो है वो ग्लाइकोन यूजनस को इंक्रीज करवा रहा है तो इसकी हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें Uh, जब हमने खाना नहीं खाया होता है जब हम फास्टिंग के अंदर होते हैं वैन वी आर इन फ़ास्टिंग तो हमारे पास क्या होता है हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है तो हमारी बॉडी क्या है? Acid uh, करती है फैटी एसिड को मेटब्लाइज़ करना शुरू करती है फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करना शुरू करती है, थ्रू बिटाक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है और हमारे पास क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन अप रेगुलेट होती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग फास्टिंग अप रेगुलेट होती है ड्यूरिंग दु, फास्टिंग और आपको पता होना चाहिए कि फैटी बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट होता है वह एस्टाइल को, कोई होता है बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से बनता है एस्टाइल कोए और यह स्टाइल कोए क्या करता है हमारे पास का, कार्बोक्सिलेज को फायरिट कार्बोक्सिलेज को ऑप्टिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट करने ऑपरेट करवाता है यानी इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि हमारे पास और पायरवेट डिफरेंट पाथफे से जो पायरवेट आ रहा है वो हमारे पास गलेक्जेंसल के अंदर हमारे पास इस्तेमाल हो ठीक है so, सो मिसाल के तौर पर पे एक पेशेंट है वो फास्टिंग के अंदर है और उसमें बीटा ऑक्सीडेशन हो रही तो उसमें स्टाइल कोहे बढ़ जाएगा और जब एस्टाइल कोहे बढ़ जाएगा तो हमारे पास की वजह से पायरवेट कार्बोक्सीट्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारे पास गलेसट्रोल पायरुवेट एलानिन लेट्रेट ये डिफरेंट आ, हमारे पास सबस्ट्रेट स्टेट में कन्वर्ट होंगे ऑर्ड्स की वजह से हमारे पास ग्लाइकोनियोजन पाथवे चलेगा राइट अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं पायरवेट डिहाइड्रोजनिस की डेफिशिएंसी की अब अगर हम बात करें पायरवेट डिहाइड्रोजनिस की डेफिशिएंसी की तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सलिंक डिसऑर्डर है एक्स एक्सलिंक डिसऑर्डर हमारे पास ये होता है ऑर्ड्स की वजह से हमारे पास क्या होता है हमारे पास पीडीएस कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है यानी पीडीएस कॉम्प्लेक्स काम नहीं करता अब अगर पी डी एस कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा तो स्टाइल पायरवेट हमारे पास स्टाइल में कन्वर्ट नहीं होगा और इसकी वजह से क्या होगा पायरवेट लेक्टेट में कन्वर्ट होगा यानी ये वाला पाप भी शुरू हो जाएगा ये यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि ये काम नहीं कर रहा तो पायरवेट लेक्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा यानी शंटिंग होगी पायरवेट की लेक्टेट की तरफ यानी लेक्टिक एसिडोसिस होगा राइट right. और थोड़ा बहुत ये जो है वो पायरवेट जो है वो एलडिन की तरफ भी जा सकता है इस पाथवे की तरफ भी ये पायरवेट जा सकता है बट मेजरली ये लैक्टेड की तरफ जाएगा और लैक्टिक एसिडोसिस होगा अब जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या अमाइनो एसिड खाते हैं वो अल्टीमेटली हम जानते हैं कि मेटालाइज मेटाबोलाइज होकर हमें पायरवेट ही देते हैं अब मेटाबोलाइज होकर वो पायरवेट देंगे तो पायरवेट हमारे पास जब लेक्टिक एसिड में जाएगा लेक्टेड में जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास लेक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा यानी जो लैक्टिक एसिडोसिस पहले हुआ था उसकी और वर्स्निंग हो जाएगी खाना खाने की वजह से हम लैक्टिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए लाइसिन और ल्यूसिन को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बेसिकली ये जो है वो कीटोजिनिक अमाइनो एसिड हैं और ये पायरवेट के पाथवे तो को बाईपास कर देते हैं यानी ये डायरेक्टली हमारे पास एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ ये हमारे पास कीटोजेनिक कि -किटो अमाइनो एसिड है ये डायरेक्टली हमारे पास क्या हो रहे हैं कोए में कन्वर्ट हो रहे हैं तो यानी पायरोवेट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं यानी पायोवेट नहीं बन रहा है तो यानी ये लेक्टेट में भी कन्वर्ट नहीं होंगे तो डायरेक्टली ये कोए में कन्वर्ट होंगे कोए डायरेक्टली हमारे पास टी सी साइकिल में चला जाएगा और इस तरह से हम लैक्टिक एसिडोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं सो बेसिकली इनको हम एज ए ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेफिशंसी ऑफ पी डी एस कॉम्प्लेक्स एंड आई होप आपकी ये बात समझ में आई होगी ये टॉपिक समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच